पहले आप मुझे कर्म त्यागने को कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश भी देते हैं। कृपा करके मुझे बताएं कि इन दोनों में से अधिक कल्याणकारी कौन होगा। हे अर्जुन, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं। इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। जो पुरुष ना तो किसी कर्म फल से घृणा करता है और ना ही किसी कर्म फल की इच्छा रखता है, ऐसा कर्म योगी सन्यासी कहलाने के योग्य है। हे महाबाहो, ऐसा व्यक्ति समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। जो अज्ञानी होते हैं वो सन्यास और कर्मयोग दोनों को अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, किंतु अर्जुन जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि इन दोनों में से किसी एक का भी कोई भली भांति अनुसरण करे तो वो सन्यास तथा कर्मयोग दोनों का फल प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है वही कर्म योग अर्थात भक्ति योग द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो ज्ञान योग और कर्म योग को एक समान देखता है उसे ही यथार्थ के दर्शन होते हैं। किंतु अर्जुन जो समस्त कर्मों का परित्याग कर दे पर उसके हृदय में भक्ति ना हो तो वो सुखी नहीं रह सकता। परंतु भक्ति में डूबे भक्त को शीघ्र ही परमेश्वर के दर्शन होते हैं। जो भक्ति भाव से अपना कर्म करता है तथा मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता है वो सबका प्रिय होता है और सभी उसके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी किसी बंधन में नहीं बनता। दिव्य भावना से युक्त व्यक्ति सोता हुआ, जागता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, श्वास लेता हुआ, चलता हुआ, घूमता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, त्यागता हुआ अथवा ग्रहण करता हुआ, वह जानता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हैं और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो व्यक्ति अपने समस्त कर्म फलों को उस परमेश्वर को समर्पित कर देता है और बिना किसी लोभ अथवा इच्छा के अपना कर्म करता है वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल के पत्ते जल से। पानी की एक बूंद भी अर्जुन टिकती कमल पत्र पर ना जैसे, इंद्रिय भोग नहीं लिप्त होते स्थित प्रज्ञ प्राणी में भी वैसे। मेरे परायण होता जो अर्जुन, मेरे परायण होता जो अर्जुन, मुक्ति रहे वो अधर्म के भय से। मेरी शरण में जो भी आए युक्ति रहे वो आत्म विजय से। मेरी शरण में जो भी आए
युक्त रहे वो आत्मविजय से। योगी जन, बिना किसी आशा के शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते रहते हैं, क्योंकि वो समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। भक्ति में लीन वो भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति अपने कर्मफल की इच्छा करता है, वो शांति प्राप्त नहीं करता। जो देहधारी जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, वो अपने नौ द्वार वाले भौतिक शरीर में बिना कुछ किए सुखपूर्वक रहता है। ये शरीर अगर एक नगर है तो उसका स्वामी हमारी आत्मा है। वो ना तो लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं और ना ही पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। परंतु जब उस अज्ञान को परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, तब उस ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिस तरह दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं आलोकित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, श्रद्धा, मन तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब वो ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन में सभी के लिए समान भाव हो तथा जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया हो, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, तथा जो स्थिर बुद्धि, मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला हो, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष किसी भी भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, बल्कि सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। विद्वान योगी जो संभाव रखे, हर जीव में ब्रह्म दर्शन है पाए। साधु व चंडाल, कुत्ता व गाय, सब में ही परमात्मा है समाए। कुछ प्राप्त होने पे हर्षे नहीं और, कुछ प्राप्त होने पे हर्षे नहीं और, हानि होने का ना शोक मनाए। ब्रह्म के जैसा ही निर्दोष ज्ञानी, ब्रह्म में लीन हो आनंद पाए। ब्रह्म के जैसा ही निर्दोष ज्ञानी, ब्रह्म में लीन हो आनंद पाए। इस प्रकार सिद्ध पुरुष
पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से अनेक दुख उत्पन्न होते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्य इससे विचलित नहीं होते। ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। शरीर त्यागने से पहले यदि कोई मनुष्य काम व क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव करता हो और कर्मठ होकर अपने अंतःकरण में ही रमन करता हो, साथ ही यदि उसका लक्ष्य भी अंतर्मुखी हो, तो वह सचमुच पूर्ण योगी है। वो परब्रह्म में मुक्ति पाकर अंत में परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हों और जिनके समस्त संशय ज्ञान के द्वारा निर्वित हो गए हों, और जो सभी प्राणियों के हित की बात सोचता है तथा जिसका मन परमात्मा में लीन हो, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो, तथा जो स्वरूप सिद्ध और आत्म संयमी हो, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। जो समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के बीच रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितेशी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से मुक्ति पा जाता है।